Welcome to my channel DRX Wellness. My name is Parth Raicha. I am a registered pharmacist and a GGFI certified personal trainer. So friends, आज मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में. तो जैसा कि हम सुनते हैं या देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल काफी एक घातक बीमारी है, या कुछ लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होना ही नहीं चाहिए, तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गलत है. क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में अति आवश्यक बायोमोलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए यूज़ होता है. सबसे पहले ये हमारे जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है, इनके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. देन हमारे जो बाइल जूस होता है जो कि फैट को एब्जॉर्ब करने में, फैट को मेटाबोलाइज करना करवाने में या उसको पचाने में जो हेल्प करता है, उसको फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है. देन हमारे जो मेल एंड फीमेल के सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, मेल्स में हो गए टेस्टोस्टेरोन, इन फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये इनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. देन ये हमारे जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी की, जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये उनकी सेल मेम्ब्रेन, उनकी जो आउटर कवरिंग होती है जो कि हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन देती है, उनकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. अब हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आखिर बनता कैसे है. तो ये बनता है हमारे लीवर के अंदर. हमारे लीवर के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए जब मेवालोनेट पाथवे के थ्रू मेटाबोलाइज होता है तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है. देन अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड में आखिर पहुंचता कैसा है. कोलेस्ट्रॉल बन तो जाता है हमारे लीवर के अंदर, लेकिन यहाँ जो इसका ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के पास, वो कैसे होता है. तो हमारे लीवर के अंदर होते हैं कई सारे लाइपोप्रोटीन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है. कोलेस्ट्रॉल खुद से नहीं ट्रैवल कर सकता है कहीं, उसे एक साथी के कैरियर की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स. अब लाइपोप्रोटीन बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, देन आता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, देन होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड देन होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. तो ये जो VLDL, IDL एंड HDL है, LDL है, ये बेसिकली होता है बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड लाइपोप्रोटीन्स, क्योंकि ये हमारी कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर से हमारे ब्लड में ले जाता है. वहीं दूसरी तरफ एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम HDL कहते हैं, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल या गुड लाइपोप्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो अगेन लीवर तक ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है. अगेन ट्रांसपोर्ट कराने के बाद ये बाइल जूस बनाने में हेल्प करता है जो कि अगेन फैट्स को मेटाबोलाइज कराने में या उनको पचाने में हमारी हेल्प करता है. तो ये प्रोसेस जो है कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट होने की और एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर तक वापस जाने की, ये तो सभी की बॉडी में होती है. लेकिन कुछ कारणों से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किन्हीं लोगों में काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं कि किस कारण से ये बढ़ता है. तो इसके मुख्य दो कारण होते हैं, ऐसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं लेकिन मुख्य दो कारण हम जानते हैं. तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन कारण है वो है कि अगर हम अपनी डाइट में काफी ज्यादा मात्रा में फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं या काफी ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके बढ़ने का डर होता है. एंड इसके साथ ही साथ अगर हम इतना सब खाने के बाद अगर हमारी एक्सरसाइज या हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा ये डेंजर क्रिएट करता है. देन सेकेंड रीजन ये है कि अगर हमको ये जेनेटिकली ही प्रेजेंट है या अनुवांशिक है तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की जो मात्रा है या बनने की मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है दूसरे लोगों के मुताबिक. तो इसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ रहा है या घट रहा है या इसका नॉर्मल लेवल है, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो दोस्तों इसका केवल एक ही जरिया है जानने का, अगर हम अपनी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं. तो ये आप ऐसे रेगुलरली भी करा सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे भी.
हम जो अपने नॉर्मल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं उसके अंदर आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी होता है, तो उसके थ्रू आप जान सकते हैं। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड देन आपका एलडीएल, एचडीएल और जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है ये आपको दिख जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और एलडीएल और एचडीएल के लेवल्स कितने होने चाहिए। अगर हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल लेवल है, लेकिन यही अगर 200 से लेके 239 तक है तो ये चिंता का विषय हो सकता है हमारे लिए और हमें इसे मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये 240 या उससे भी ऊपर है तो हमें बिल्कुल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और मेडिकेशंस लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर एलडीएल 100 से अंदर है तो ये ठीक है, 130 से लेकर 159 तक है तो ये मैनेजेबल है, हालांकि फिर भी हमें एक्सरसाइज वगैरह और डाइट पे कंट्रोल करना ही चाहिए। और अगर 160 या उसके अबव है तो ये हमें चिंता का विषय है। एचडीएल जहाँ हम देखते हैं कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है ये मेंस के लिए, पुरुषों के लिए 40 से ऊपर होना चाहिए, विमेन्स में महिलाओं में 50 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये भी अगर 60 के ऊपर है तो भी हमारे लिए घातक हो सकता है। देन आते हैं हम ट्राइग्लिसराइड्स पे, तो ट्राइग्लिसराइड्स होने चाहिए 150 से नीचे। अगर 150 से 200 तक है तो ये मैनेजेबल है, लेकिन अगर 200 से ऊपर है तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके बाद हम जानते हैं कि हम अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करें। इसे कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज तो रेगुलरली करनी ही है, तो जो USFDA ने हमारे लिए रेगुलेटरी एडवाइस एक बनाई है कि हमें किस प्रकार से हमारी डाइट को मेंटेन करना चाहिए, तो वो कुछ इस प्रकार है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है जो कि 2000 कैलोरीज अगर दिन भर में कंज्यूम करता है से अप्रॉक्स जो हमारे फैट्स है वो 70 ग्राम से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसमें से भी जो सेचुरेटेड फैट्स है वो 20 ग्राम से ज्यादा हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए। अब फैट्स बेसिकली दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड फैट्स एंड एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैट, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि अगर हम सब जितने भी डाइटरी रेगुलेशन या डाइटरी एडवाइस भी फॉलो करके या फिर एक्सरसाइज करके भी हमारा कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिन पेशेंट्स को अगर जेनेटिकली प्रेजेंट है तो उनमें काफी दिक्कत पड़ती है कि ये इन माध्यमों से भी कंट्रोल में नहीं आता है, क्योंकि नेचुरली ही उनकी बॉडी काफी ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है, तो उनके लिए फिर हमें मेडिकेशन की तरफ ही जाना पड़ता है। मेडिकेशन भी बेसिकली हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जो कि 4 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है ये HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इन प्रकार की दवाइयों में हम देखते हैं कि लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन एंड रोसुवास्टेटिन इंक्लूड होता है, यानी कि जितने भी प्रकार के स्टेटिन ड्रग्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होता है। देन ये आते हैं हमारे बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, जिसके अंदर कोलेस्टेरामीन और कोलेस्टिकॉल इंक्लूड होता है। देन आता है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके अंदर जेम फिब्रोजिल, बेजा फाइब्रेट या फेनोफाइब्रेट इंक्लूड होता है। देन आता है निकोटिनिक एसिड। तो ये 4 प्रकार के जो हमारे ड्रग्स या 4 प्रकार के ड्रग कैटेगरीज होती है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो अभी के लिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए देना चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये मेडिसिन्स या ये जो ड्रग्स है ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो आप जरूर से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।